मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन जिले के फूलबाग मैदान पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के हजारों खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसके साथ ही रस्साकशी, कबड्डी, लंबी कूद और सितोलिया जैसे पारंपरिक खेलों से युवाओं को जोड़ने के लिए आयोजित किए जा रहे इस खेल महोत्सव के जरिए खिलाड़ी अपने हुनर की जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं आयोजित खेल महोत्सव में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भारतीय संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक खेल सितोलिया पर अपने हाथ आजमाए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। जवानों की क्षमता, उनका पूर्ण प्रस्तुति करना और आज ग्वालियर में जो रस्साकशी हमने देखी है, कबड्डी देखी है और अब ये खेल भी हमने देखी है। हमारी बच्चियां, हमारे नौजवान पूर्ण क्षमता से अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि एक एक जिला पंचायत, एक एक पंचायत स्तर पे, एक एक वार्ड स्तर पे हमारी टीम आयोजित की जा रही है और पूर्ण जिले के लोग में से सबसे उत्कृष्ट हमारे युवा और युवती हर एक के 7-8 खेलों में उभर के आए, ये हमारी मन की आशा और अभिलाषा है ताकि प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रपटल पर और विश्व पटल पर ग्वालियर के खिलाड़ियों का नाम हम लोग और रोशन कर पाए। सर, आपने सितौली भी खेली है, आनंद लिया सितौली का? बहुत सितौली भी खेली है और बहुत मजा भी आया है। अगले बार आप लोगों की टीम के साथ, मीडिया की टीम के साथ बना के हम लोग साथ में। एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा? एयरपोर्ट का उद्घाटन, एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, अगले 3-4 दिन में पूरी डीप क्लीनिंग सब कुछ हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री के तारीख के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, भव्य आयोजन को लेकर।